चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप चौधरी आए हैं वोट मांगने आए हैं। प्रदीप चौधरी आए हैं वोट मांगने आए हैं। आपने कोतवाली में तहरीर दी है, क्या पूरा मामला था, किस तरीके की धमकी दी गई है और क्या कहा गया है? भारतीय जनता पार्टी कैसर से मैं भाजपा प्रत्याशी जी। कल 2:54 पर आउट ऑफ कंट्री से फ़ोन आया, उसने कहा भी प्रदीप चौधरी कहाँ है। उसने बताया मेरे जो साथ मेरे भाई जो सरदार नगर में प्रचार कर रहे हैं, तो बोला वो सब उसने गाली गलौज दी। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, अभद्र भाषा का प्रयोग करा, बोला साले गोली मार दूंगा उसका आगे, और मेरा नाम खान साहब है। इस तरह की मैंने उससे कहा, मैं ठीक है भाई, इधर धमकियों से कहाँ डरे कोई आदमी, हम तो जब स्वयं सेवक संघ रहे, पहले संघ में हमने काम करा, और राम भक्त है, राम भक्तों कौन रहा है भाई, मुलायम सिंह जी ने कोई गोली चलवाई हम पर क्या फर्क पड़ा नहीं। तो उसमें चुनाव न लड़ने की भी कोई बात कही है? नहीं, मुझे अब नहीं कही चुनाव लड़ने की, उससे क्या फायदा। मैंने ये कहा कि भाई आते ही तुझे गोली मार दूंगा, मैं मेरे से नहीं कहा, उसका काज का फोन था, तो बाद में मैंने नंबर मिलाया तो मिला नहीं, यहाँ से 7 नंबर का नंबर था। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? पहले तो ये कि विपक्ष जो है ना, ये जनसैलाब को देखकर घबरा गया, इसलिए वो चारों तरफ से ऐसी योजना बना रहा है कि भाई इसके उनसे डरा करके इलेक्शन में डेमोलाइज करते हैं इसको, और हम कहाँ डरने वाले हैं भाई। है जी, हम तो राम भक्त हैं, जय श्री राम, होगा वही जो राम रचना का। तो क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन? मैं कोई मांग नहीं करते, ये किस तरह के षड्यंत्र नाच रहे विपक्ष जो, जब उनके पास पल्ले कुछ है ही नहीं, अब इधर से धमकी उनकी दिलवा के भाई प्रसाद उसका प्रत्याशी का मनोबल टूट जाए काम कर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।